स इज ए रन टाइम एनवाइ नोटेस इज ए रन टाइम एनवाइ दू टू रन जबास्क्रिप्ट को हम लोग क्या करते थे कि ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को चलाते थे ठीक है लेकिन नोट जेस के मदद से हम लोग जाबा स्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर के बाहर भी रन कर सकते हैं वेब ब्राउजर के बाहर कहाँ रन कर सकते है वेब ब्राउजर के, वे के बाहर हम लोग सर्वर पे रन कर सकते है तो इसलिए नोट जेस

So, पहला जो पॉइंट है चेस बहुत ही इजी है लर्न करने के लिए सो दिस इज इजी टू लर्न और इसका जो कम्युनिटी है ना वो बहुत बड़ा है मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तुम्हारा कोड में वो तुम गूगल करके देखोगे तो बहुत सारे इन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा GitHub में बहुत सारे ओपन सोर्स मिल जाएगा बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएगा बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएगा सो so, नोटेस का जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ा है और क्या है नोट जेस बिल्कुल फ्री है फ्री में हम लोग यूज कर सकते हैं सेकंड क्या है इसका एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस सो so, अगर किसी लैंग्वेज का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा किसी भी फील्ड में अगर तुम किसी कंपनी में काम करने जाओ और तुम्हारा एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बहुत गुड है तो तुम्हारा वैल्यू ज्यादा होगा अदर एम्प्लॉयज के कम्पेटिव में तो ऐसा ही नोटेस का एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है नोटेस इसे बिल्ड ऑन क्रोम्स भीट जावाप्ट इंजिन विच कॉम्पाइल्स जावा स्क्रिप्ट डायरेक्टली इंटू मेसिन कोड ये क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली मेसिन कोड में कंपाइल कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है इसलिए इसका एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस भी बहुत होता है। तो इसलिए नोट जेस क्या है नोट जेस एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है एसंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होता है एसंक्रोनियस प्रोग्रामिंग समझने के लिए तुम्हें पहले सिंक्रोनियस क्या होता है समझना पड़ेगा सो so, सिंक्रोन क्या होता है सपोज तुम्हारे पास बहुत ऑडियो प्लेयर है कुछ लिखना चाहते हो ठीके? तो क्या होता है जब तक तुम में लिख रहे हो कंप्यूटर में तब तक तुम गाना नहीं सुन सकते जब तुम्हारा नोट पैड में लिखना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम गाना सुन सकते हो ठीक है यह है सिंक्रोनियस मतलब तुम किसी काम कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही तुम नेक्स्ट टास्क में जा सकते हो लेकिन एसंक्रोनियस क्या, क्या होता है नहीं होता होता है है क्या में तुम मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकते हो अगर तुम्हारा किसी काम करने में लेट हो रहा है तो वो सेकेंड काम में चला जाएगा वो वेट नहीं करेगा कि फर्स्ट काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो जितना टाइम ले रहा है फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने में उसी टाइम को वो यूटिलाइज करेगा सेकेंड टास्क कंप्लीट करने के लिए वो वेट नहीं करेगा वो जितना टाइम वेट करेगा वो वेस्टिंग हो रहा है तो ये होता है एसिंक्रोनियस एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग तो को सपोर्ट करता है और एक है क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्पर्टेबिलिटी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम नोट जेस को सपोर्ट करता है जैसे विंडोज uh, हो गया मैक ओएस हो गया लिनक्स हो गया जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है नोट जेस उसमें रन हो सकता है ठीक है और क्या है एडवांटेजेस रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए नोट बहुत ही यूजफुल है क्यों क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या होता है रियल टाइम एप्लीकेशन में सपोज तुम कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या फिर कोई चैट एप्लीकेशन है या फिर कोई लाइव स्ट्रीमिंग एप्स है लाइक तुम कुछ स्पोर्ट्स देख रहे हो तो वहां पे क्या होता है जो स्कोर होता है जो रानस होता है क्या होता है लाइफ अपडेट होता है तो इसके लिए नोट जेस बहुत ही यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे सॉकेट यूज किया जाता है सॉकेट एक कॉन्सेप्ट है नोट जेस और रियक्ट जेस में तो ये सॉकेट क्या करता है रियल टाइम डेटा एक्सचेंज करता है ठीक है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है नोट जेस का तो अब हम देख लेते हैं कि नोट जेस को कैसा हम सेटअप कर सकते हैं तो पहले हम लोगों को नोट जेस को डाउनलोड करना पड़ेगा इसी वेबसाइट से और वीएस कोड एडिटर हम लोग को चाहिए नेक्स्ट जितना भी वीडियो बनेगा उसमें हम लोग वीएस कोड एडिटर में काम करेंगे और नोट जेस एनवायरमेंट सेटअप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसपे क्लिक करके पूरा सेटअप कर लेना स्टेप बाय स्टेप तो आज इतना है अगर आप इस चैनल में नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड के साथ भी शेयर करो प्लीज लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो